जो मैं हूँ आपके साथ विशाल चौहान, आपको बता दें लोकतंत्र का महापर्व का जो अंतिम चढ़ाव यानी सातवां चरण शुरुआत हो चुकी है और खत्म होने के बाद इस वक्त 12 बज चुके हैं और मैं यहाँ लोगों पे आपको बूथ संख्या पटना साहिब बूथ संख्या 340 पे मौजूद यहाँ लोगों से जुड़ते हैं जिन्होंने वोट दे दिया और उनसे जुड़ते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने वोट दे दिया। विनय कुमार सिन्हा, हमने वोट दिया। कितने सालों से वोट दे रहे हैं? हम बहुत दिन से दे रहे हैं, मतलब 30-40 साल से दे रहे हैं। इसी बूथ पे दे रहे हैं? इसी बूथ पे दे रहे हैं अभी तक। आप वोट देते हैं, आपकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे तय करते हैं अपने नेता? बस काम देख करके, हमेशा जो जैसा काम करता है वैसा हम लोग देते हैं। और अभी का जो मुद्दा है वो तो एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद, अगर अगर यदि अपना देश नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। विकास? विकास उसके बाद है, पहले राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो विकास कहाँ से होगा? ना विकास होगा, इसलिए पहला काम राष्ट्र को बचाना है। आपके हिसाब से भी राष्ट्रवाद? हाँ, राष्ट्रवाद हम लोग का राष्ट्रवाद मुद्दा है। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो विकास का कोई मायने नहीं रह जाएगा। राष्ट्र राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्रवाद जरूरी है। और महंगाई या लॉ एंड ऑर्डर, बिजली पानी सड़क, ये तो जनरल कॉमन सब कोई क्या उसमें हम लोग कहें, लेकिन राष्ट्रवाद हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। खास करके अभी जो पाकिस्तान का जो स्थिति चल रही है अभी, उस हिसाब से तो बहुत जरूरी है राष्ट्रवाद को हम लोग को मजबूत करना, आतंकवाद को खत्म करना। जी जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए। जो सरकार आतंकवाद के खिलाफ में कदम उठा रहा है उसके लिए आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार है। अच्छा, आप बूथ संख्या 340 पे आए हैं, यहाँ पे क्या कुछ आपको स्थितियाँ दिखी? आप काफी दिनों से वोट दे रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या कुछ आपने देखा? शांति रूप से मतदान दिया जाता है, निर्भीकता से आदमी आता है, हर तरह से प्रशासन जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शांति से आते हैं, बिना डर भय के सब परिवार आके वोट देते हैं। और राष्ट्रवाद तो है ही, और आतंकवाद के खिलाफ में जो सरकार काम करेगा उसको हम लोग, उसके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। यहाँ पे पहले देश के लिए लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद विकास की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और ऐसे एक युवा है हमारे साथ जो जुड़ चुके, इनसे जानते हैं। ये बताइए आप मैम कि वोट पहली बार दे रही हैं? नहीं, ये सेकंड टाइम वोट दे रही हूँ मैं। अच्छा, आप कैसा नेता चाहते हैं? जो हमारे कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सके, जो सोसाइटी समाज का सोचे, जो अगर कंट्री एक प्रोग्रेस करेगा तो ऑब्वियसली चीज़, अगर कंट्री प्रोग्रेस करेगा तो वहाँ के लोग भी प्रोग्रेस करेंगे। ये प्रोग्रेस की बात होगी, लेकिन आप एक युवा हैं, अभी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सही चीज़ है, अगर सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। अगर एक अच्छा नेता आएगा तो वो हमारे रोजगार के बारे में भी सोचेगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचेगा, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो ऑब्वियसली चीज़ है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा। विगत 5 वर्षों सेटअप होगी, अगर उनका दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री से अगर वो उनका अच्छा बना रहता है तो इंडस्ट्री सेटअप होगी, एम्प्लॉयमेंट का चांसेस बढ़ेगा। विगत 5 वर्षों में आप अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रही हैं? पहले से क्राइम तो बहुत ज़्यादा घट चुका है। पहले क्योंकि अब लेट नाइट निकलने में आपको सोचना पड़ता था, रात के 7-8 बजे के बाद, 7-8 बजे के या 6 बजे के बाद भी आप बाहर निकलने के पहले सोचते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। आप 8 बजे तक भी, 9 बजे तक भी लेट नाइट अगर कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो पहले के हिसाब से अभी क्राइम बहुत ज़्यादा घट चुका है। इतनी जागरूकता अभियान चलाई गई कि वोट दीजिए, घर से महिलाएं पुरुष बाहर निकले, लेकिन हमने जितने भी बूथ पे देखा भीड़ बहुत कम देखने को मिला, क्या कुछ इसका कुछ खास? इसके पीछे रीज़न है कि लोग अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं। पहले होता था कि वोट कैप्चरिंग लूट होता था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर लोग पहले निकल कर और पहले इस सोच कर आते थे कि पहले हमारा वोट ना कोई डाल दे। अभी क्या है कि लोग निश्चिंत हैं, इतनी चुनाव आयोग की पारदर्शिता होने के कारण, स्वच्छ अभियान ये सब चल रहा है, जिसके कारण लोग आराम से आते हैं और आराम से वोट दें। गर्मी की भी एक वजह है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उस चीज़ को झेलते हुए और वोट देना अपना अधिकार समझ कर आ रहे हैं। ये हमारा अधिकार है और ये देना हमारा संविधान के लिए जरूरी है। बट हम बहुत अफसोस के साथ वापस लौट रहे हैं, पिछले 2 घंटे से हम अपना नाम यहाँ ढूंढ रहे हैं, बट मेरा सारे परिवार का नाम सब जगहों का मिला, बट एक्सेप्ट मेरा और कोई बताने वाला भी गाइड करने वाला नहीं है कि आपका नाम कहाँ चला गया। लास्ट विधानसभा के इलेक्शन में यहीं पर जाकर वोटिंग किया और इस बार भी आराम से आया, बहुत जोश के साथ। और अभी मैं प्रयासरत हूँ कि इस A to Z जितने भी वोटर लिस्ट टंगे हैं, मैं सबसे अपने नाम को ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपने मताधिकार का जो जोश और उमंग था हमारा, इंतजार आज का डेट का मैं बहुत काफ़ी समय से कर रहा था और एक सक्रिय भी देश के प्रति मैं वोट करना चाह रहा था, बट अफसोस के साथ है कि मैं वापस लौट कर जा रहा हूँ। आप अपनी समस्याओं के बारे में मिस्टर साहब से बात की है? यहाँ पर कोई ऐसे बताने वाले, सीधा कहते हैं कि ये बिलो बैठे हैं, उनके पास जाइए, अपना नंबर ढूंढिए। मैं बार बार उनके पास जा रहा हूँ, कभी उस बिलो के पास जा रहा हूँ, कभी उनके पास लिस्ट देख रहा हूँ,
और सारे जगह से देखकर मैं मायूस होकर वापस जा रहा हूँ। ये थी इनकी समस्या, थोड़ा सा इनको नाम को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन हम और भी कुछ लोग के यहाँ जुड़ते हैं। क्या आपने वोट दे दिया? जी हाँ। आप एक महिला हैं, आप अपना वोट कैसे तय करती हैं? कैसे अपनी सुरक्षित के सुरक्षित सोच कर चलते हैं। आज खुद की सुरक्षा? हाँ, खुद की सुरक्षा, सबों की सुरक्षा लेकर चलते हैं। आज बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, 8-9 बजे रात में भी कितना प्रगति हुई है देश के, और चाहेंगे भी कि आगे और अच्छा होते रहे। मतलब विकास होना जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन मतलब पढ़ाई में भी सबसे अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ में अच्छा होना चाहिए। जिस बूथ पे आप वोट देने आए, इस बूथ मतलब क्या कुछ सुविधाएं आपको दी गई बताइए? हाँ, शांति है, सुविधाएं तो दी गई है, शांतिपूर्वक वोट हो रही है। पानी वगैरह की व्यवस्था है? पानी वगैरह की है व्यवस्था। तो यहाँ पे इस मैं अभी इस वक्त 340 बूथ नंबर के मौजूद हूँ, पटना साहिब जो है 340 में। यहाँ के लोगों से हमने बात किया, लोगों ने कहा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई है और इन्होंने सरकार को भी सराहा, और इनकी एक ही मुद्दा है विकास और राष्ट्रवाद। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं विशाल चौहान, न्यूज़ 1 बिहार, न्यूज़ पटना।